अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। मैं क्यों चुराने लगी तेरा मटका? तेरा मटका साइड से टूटा हुआ है और ये देख मेरा मटका बिल्कुल साबुत है। समझ में आई बात? खसमानु खाड़ी मैंने खुद देखा है, तू एक पत्थर से तोड़ा एक कोना और अब तू मुझे नया मटका ला के देगी। क्यों, तेरे पियो का ब्याह है क्या जो मैं तेरे को नया मटका ला के दूंगी? छोड़ी से मटका नहीं मिला तो मैंने मार मार के तेरा मलीदा बना देना है। छोड़ मेरे मटका। अरे अरे तुम मुझे मारेगी तुझो। पता है मैं कौन हूँ? उल्टे हाथ का जब पता पड़ेगा ना तो खुद भी भूल जाएगी कि कौन है तू। वैसे है कौन तू? आज से पहले तो इस पिंड में कभी नहीं देखा तुझे। और बाहर वाले हमारे फटे में टांग अड़ाते हैं तो पता है ना क्या होता है? गोबर मलते हैं इसके चेहरे पे। गोबर वाला चेहरा लेकर बाहर जाएगी ना तो दोबारा इस पिंड में कभी पैर रखने की जरूरत नहीं करेगी। मैं वार्निंग दे रही हूँ, आगे मत बढ़ना, बहुत भारी पड़ेगा तुझे। चाची क्या कर रही हैं आप? क्या हो गया है चाची? इतना गुस्सा करेंगी ना तो चाचा की तरह ना आपका भी बीपी ना हाई हो जाना है। दालचीनी तू और इस अमीरजादन को कहां से उठा लाई? चाची मेरी सास है ये, और ये ना ये मेरा पूरा परिवार है। हम यहाँ हमारे घर में कुछ दिनों के लिए रहने आए हैं। यहाँ इस पिंड में ये नजाकत की पुतली यहाँ रह भी पाएगी? चाची मेरी वाह है वो। तेरे ससुराल वाले तो बहुत अमीर है तो फिर इस गरीब खाने में रुक कर क्या करेंगे? ओ बहन जी, वो हमारे घर में ना रेनोवेशन चल रहा है। दादाजी का बच्चों का बहुत मन था पिंड देखने का, इसलिए आए हम सब आपके साथ रहने। ठीक है जी, आप इसे अपना ही पिंड समझो, लेकिन आप तो समझदार हो, जरा समझाओ इनको ज्यादा हाथ पैर ना चलाए, क्योंकि पिंड के देसी घी वाले हाथ अगर चले ना तो आप यहाँ टिक नहीं पाओगे। चाची क्या कर रहे हो आप? खाना सांस है मेरी, मिट्टी पाओ। मैं आप दोनों से माँ की तरफ से माफी मांगती हूँ, बस जाने दो। ओ पुष्पा, तुझे मेहमानों से बात करने की तमीज नहीं है क्या? चल उठा ये मटका और चलती बन यहाँ से, और तू भी उठा और निकल। चाची रहने दो। और दालचीनी कैसी हो तुम? बढ़िया चाची, आप कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। ये लो मीठी लस्सी, ताजी बनाई है मैंने। आओ जी आओ, अंदर आओ। ताई जी, आपका तो गोबर पेडिक्योर हो गया। कोई बात नहीं माँ, आप नहा लेना। माँ आ जाओ।
मुंह क्या देख रही है मेरा? चप्पल साफ कर, नंगे पांव चलने की आदत नहीं है मुझे घर में। आइए ना चाची। माँ वो दारजी घर थोड़ा छोटा है, पर सब साथ में और प्यार से रहेंगे ना तो अच्छे से रह लेंगे। कोई बात नहीं पुत्र, घर बहुत अच्छा है। और वो घर थोड़ा गंदा हो रखा है, धूल मिट्टी हो रखी है, वो कोई आया नहीं ना, इसीलिए मैं अभी साफ कर देती हूँ दारजी। हाँ आइए दादी बैठिए। छी, ये घर है या डस्टबिन? समर ऐसा नहीं बोलते बेटा, ये भाभी का घर है, अगर दोबारा ऐसा बोला ना तो पनिशमेंट मिलेगी। नहीं चाचू कोई बात नहीं समर्थ, लेकिन एक बात ना हमेशा याद रखना, गंदगी देखने वाले की नजर में होती है, वरना जो कचरा उठाने वाले लोग होते हैं ना उन्हें उस कचरे में भी ना उनकी रोजी रोटी नजर आती है। माँ मैं जब तक सफाई कर रही हूँ ना आप जाकर नहा लो ना। गीजर ऑन कर। गीजर तो गांव में नहीं होता माँ, पर हाँ माँ मैं चूल्हे पर ना अभी के अभी जल्दी से पानी गर्म कर देती हूँ। कला बस कुछ दिनों की बात और है, बेहतर जिंदगी का जो वादा मैंने तुमसे किया है वो बहुत जल्द पूरा करूंगा। अच्छी जिंदगी तो उसी दिन खत्म हो गई थी जिस दिन इस फुकरे से जबरदस्ती शादी हुई थी। चप्पल साफ की मेरी, तुझे तो आदत होगी गोबर वोबर में रहने की। सॉरी आंटी जी, मुझे लग रहा था कि मेरे दिन बदलने वाले, तो जो मेरी पुरानी आदतें थी वो भी मैंने बदल दी थी। तब आप ना सेल्फ सर्विस की आदत सीख लीजिए, क्योंकि अब हुकुम चलाने के दिन गए। वो माँ वो क्या है ना, चूल्हे की लकड़ियों में ना सीलन पड़ गई है, बहुत दिनों से किसी ने इस्तेमाल नहीं किया होगा ना, तो आज के दिन माँ ठंडे पानी से। मैं ठंडे पानी से नहाऊंगी इतनी सर्दी में? दिमाग खराब हो गया तेरा? पापा मैं अपने ऑनलाइन लेक्चर्स कैसे लगाऊं? यहाँ पे वाईफाई नहीं और नेटवर्क भी नहीं आ रहा, मेरी क्लासेस में सो जाएंगी टीचर। बेटा धीरे धीरे हर चीज का हल निकल आएगा, थोड़ा एडजस्ट करना सीख। बाकी सब तो एडजस्ट कर लूंगी, पर इस ठंड का क्या करूँ, हीटर भी नहीं है यहाँ पे। तो एक काम कर दालचीनी। हाँ बच्चों को कंबल दे दे, ठंड लग रही है बीमार पड़ जाएंगे। हाँ चाची अभी ले। इन दो कंबल में कितनों का गुजारा हो पाएगा, चाची कुछ इंतजाम करना पड़ेगा। ये ले रोहित। थैंक यू भाभी। माँ आप आइए। माँ मैं साफ कर दूंगी। ये कितने सालों से साफ नहीं हुआ? कुछ वक्त तो हो गया माँ, मैं वो आती। एक सेकेंड, कहाँ है बॉडी बॉडी वॉश? नहाने का जो बोतल में होता है ना जिससे नहा, साबुन की टिक्की और साथ साथ में ना वो गरम पानी की बाल्टी भी चाची के पास से लेकर आती हूँ। मैं साबुन की टिक्की से नहाऊंगी। एक मिनट मैं अकेले यहाँ, मतलब मुझे छोड़ के मत जाइए, पता नहीं कैसी सी जगह। अरे माँ आप डरिए मत, आप शुरू करिए ना, मैं आती हूँ। क्या शुरू करूँ? छी इतना गंदा, यक, हट ना जाए मेरे कपड़े यहाँ। इतना ठंडा पानी। हाय राम,
अब देखिए दालचीनी दंगल प्ले पर टीवी से पहले।